सभी इंतजार कर रहे हैं 22 जनवरी का, क्योंकि आज पांचवा दिन है, विशेष पूजा अर्चना होने वाली है और हम भी एक लगातार आपको हर एक तस्वीर वहां की पहुंचा रहे हैं क्या इस वक्त अयोध्या नगरी में चल रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके अलावा विशाल और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक त्रिपाठी और मयूर शुक्ला। सबसे पहले नीतीश का रुख करते हैं। नीतीश, कहां पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ आज नजारा, क्योंकि पांचवा दिन है आज? मौजूद हूं दीपाली, तस्वीरें दिखाते हैं और आज मन यही कहता है कि अवधपुरी अति रुचिर बनाई और इसके साथ ही देवन सुमन वृष्टि झरी लाई। जिस तरह से पूरी अवधपुरी को इस तरह का सुंदर बनाया गया है, सभी देवता भी इसमें रुचि दिखाएंगे और यहां पर जो देवतुल्य जो भक्त हैं वो भी आज पहुंच रहे हैं, लेकिन दर्शन प्रक्रिया आज बाधित की गई है। और आप देखिए सामने किस तरह से फूलों से सजा हुआ ये राम जन्मभूमि पथ आपको दिखाई दे रहा होगा। जो तैयारियां हैं वो पूरी तरह से अब अंतिम दौर में, जो भी भक्त यहाँ पर आएंगे वो इन वाहनों से, आप देखिए ये गोल्फ जो कार है ये सामने आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर तैयार है। और इसके अलावा जो पुलिस चौकी है, अस्थाई पुलिस चौकी यहाँ पर है तो इसको स्थायी पुलिस चौकी यहाँ पर कर दिया गया। और जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनको अब कहा जा रहा है कि देखिए दर्शन प्रक्रिया आज से बाधित है और आप आज बाहर से ही प्रणाम करके लौट जाइए। तो जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं इनसे जान लेंगे, तो आज तो दर्शन बाधित है और कहा जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार, तो मन में क्या और कितना उत्साह? हम तो उड़ीसा से आया भाई, अभी राम मंदिर के लिए इतना दूर से आया है, अभी जब तक दर्शन नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएंगे हम। उत्साह है और जब तक दर्शन नहीं मिलेगा तब तक नहीं जाएंगे, तो हम ये जानना चाहेंगे जो साज सज्जा है, जो आकर्षण है, कैसा लग रहा है? ठीक है सब, अच्छा सज्जा है, ठीक लग रहा है। आप लोग बताइए, दर्शन करने आए हैं? जी आए तो दर्शन करने, बहुत सुंदर माहौल बना है, बहुत सुंदर बना है। और आप देखिए कुछ और भी हैं, युवा भी हैं, आप लोग दर्शन करने जी, जी हम लोग चंपारण से दर्शन करने ही, श्री राम जी से दर्शन करने ही। ठीक है नीतीश, दूर दूर से लोग पहुंचे, विशाल सिंह का रुख करते हैं। विशाल, आप कहां पर मौजूद हैं, वहां का क्या नजारा? देखिए मैं इस वक्त हनुमानगढ़ी में मौजूद हूं और जैसा अयोध्या में माहौल है वो माहौल शायद त्रेता युग का माहौल है। इसी वजह से आपको देखिए सबसे पहले तस्वीर दिखा देता हूं, शनिवार का दिन है, हनुमानगढ़ी में मौजूद हूं और सुबह से ही तमाम जो भक्त हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। और खास बात ये है कि अगर हम आपको बताएं तैयारियों की, तो देखिए आप तैयारियों की मैं एक तस्वीर दिखाता हूं कि आपको इस पूरे प्रांगण में अगर आप देखिए तो पूरा भगवा जो रंग का जो झंडा है वो आपको दिखेगा, जय श्री राम जो है वो आपको जो है उसके झंडे दिखेंगे। और चूंकि हनुमानगढ़ी से ही रामलला की तरफ का जाने का रास्ता हो, प्रधानमंत्री का चूंकि यही रूट होगा, तो इस रूट पर चूंकि मैं आपको जानकारी देता हूं कि इस रूट पर तीन तरह के डाइवर्जन किए गए हैं। मैं जहां पर खड़ा हूं यहां से ठीक सामने हनुमानगढ़ी है, यहां पर प्रधानमंत्री आएंगे और इसी दरवाजे से, चूंकि ये फ्रंट गेट है तो यहां से सीधे जो है वो ऊपर जो है दर्शन करने जाएंगे, सरयू का स्नान लेंगे, उसके बाद स्नान करने के बाद और उसके बाद यहां से जब निकलेंगे तो वो इस रास्ते से पीछे के रास्ते से यहां से निकलते हुए जो है रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। कुछ लोग भी उनसे बात करते हैं, कहां से आए आप? आगरा से। आगरा से आए, दर्शन किया हनुमान? हाँ, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, स्वर्ग बना दिया, स्वर्ग से भी ऊपर है। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर बाबा, हरे हो योगी बाबा, आपकी आप इतने अच्छे हो कि आपने हमें स्वर्ग में ला दिया है, जय हो जय हो। हमारी अयोध्या में लोग आ रहे हैं उनको यही एहसास हो रहा है, कहाँ से आए आप? जय श्री राम, भिलवाड़ा राजस्थान से आया। राजस्थान से, कैसा लग रहा है? स्वर्ग के जैसे, स्वर्ग पहले कभी देखा नहीं था, चार दिन से स्वर्ग ही देख रहा हूँ। देखिए ये तमाम लोग जो है ये बहुत दूर दूर से आए, हाँ कहाँ से आए? चलो मैं काठियावाड़ में आया सी, मैं दर्शन कर जाते। ठीक है, दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे। विशाल आप बने रहिए हमारे साथ, विवेक का रुख करते हैं। विवेक अब आप कहाँ पर हैं और अभी जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं अब तो उन्हें दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा, अब तो 23 तारीख के बाद ही दर्शन होंगे? बिल्कुल, सामान्य दर्शन आज से बंद हो गए हैं, यानी कल रात से ही बंद हो गए थे और आज से और सकती है। हम जिस समय मौजूद हैं वहां पर तमाम लोग आए हुए हैं दर्शन के लिए, लेकिन शायद आपको जानकारी नहीं है आज से यहां दर्शन नहीं होंगे प्रभु श्री राम लला के, पता है? तो आप कहां से आए? हम सिवान से। सिवान से आए? जी हां, सिवान। परिवार के साथ आए? हां। तो फिर आप क्या करेंगे? रुकेंगे दो तीन दिन, 23 के बाद, 22 के बाद, 22 के बाद। तो देखिए ऐसे बहुत सारे श्रद्धालु हैं और दो चीजें आज और महत्वपूर्ण होने वाली हैं। एक तो सबसे पहली बात, जो रामलला के विग्रह हैं, जो विराजमान हैं टेंट में, जिनको कहा जाता है विराजमान हैं, वो आज शनिवार का दिन है, आज मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन आज है क्योंकि बरसों से जो
35 साल से जो टेंट में रह रहे थे वो आज उनको मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा पूरे विधि विधान से, जिस तरह से जो मूर्ति का प्रवेश हुआ है वही। हालांकि नगर भ्रमण भी कराया जा सकता था लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से नगर भ्रमण नहीं होगा, आज परिसर में ही उनको भ्रमण कराया जाएगा वहां पर और उसके बाद अनुष्ठान किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 53 देशों से वो कार सेवक आ रहे हैं जो 1990 में जब जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ था और 1992 में जब विवादित ढांचा विध्वंस किया गया था, उनमें से जुड़े 53 बड़े लोग, बड़े कार सेवक जो विदेशों में हैं, विदेशी अतिथि हैं, उनको आमंत्रित किया गया है। वो आज एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, उनके स्वागत के लिए वहां साधु संत और ट्रस्ट के लोग होंगे। उसमें से अमेरिका के लोग हैं, वियतनाम के हैं, जापान के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, दक्षिण कोरिया के हैं, ऐसे 53 देशों से 53 बहुत महत्वपूर्ण अतिथि आज यहां पर आएंगे और उनके रहने खाने की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, विशेष इंतजाम किए गए हैं। ट्रस्ट की तरफ से उनको सम्मानित भी किया जाएगा। 25 लाख रुपए से ज्यादा जिन्होंने डोनेट किया है, अपना अंशदान दिया है, उनको भी आज बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। ये दो चीजें महत्वपूर्ण होंगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है विवेक आपने कि जो टेंट में थे रामलला वो अब मंदिर में विराजमान होंगे। मयूर का रुख करते हैं। मयूर आप कहाँ पर हैं अभी? ना बिल्कुल, देखिए आज से अयोध्या बदली बदली से नजर आएगी और जहां पर भगवान राम का मंदिर निर्माण हो रहा है वहां से और हनुमान सेतु के बीच का जो रास्ता है हम वहां पे मौजूद हैं, जहां से प्रधानमंत्री मोदी होकर गुजरेंगे दर्शन करके हनुमानगढ़ी के। और आप देख सकते हैं कि इस तरह इस पूरे इलाके को सजाया गया, लेकिन हमारे जो सहयोगी लगातार दर्शनार्थियों से बात कर रहे हैं, लेकिन हम सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो वो तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये जो मेन रोड है, देखिए सजाई तो गई है पूरी अयोध्या नगरी, लेकिन हनुमानगढ़ी से लेकर जो राम मंदिर तक का रास्ता है थोड़ी दूरी का, वहां पर जितने भी अंदर के रास्ते हैं, जितनी भी गलियां हैं, वहां पर सुरक्षा मुस्तैद कर दी गई है। यानी कि कोई भी जो है अब परिंदा भी यहां पर पर नहीं मार सकता। अगर कोई संदिग्ध किसी तरीके से पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त है। आप देख सकते हैं यहां पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी सुबह 7 बजे से ही तैनात है, ये रात भर यहां पर तैनात रहे और अब फोर्स जो है वो आज से बहुत ज्यादा बढ़ने वाली, यानी कि 20, 21, 22 ये जो मुख्य 3 दिन है उस दौरान ये बढ़ने वाली। लेकिन जो श्रद्धा है लोगों में वो कम नहीं है, सुबह 6:30 बजे से ही लाइन लगाकर लोग दर्शन करने जा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें, आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के लोग तो मुझे कम ही नजर आते हैं यहां पर, अन्य राज्यों से जो लोग यहां पहुंचे हुए हैं वो ज्यादा नजर आ रहे हैं और हताश निराश इस बात से हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी और जब आज पहुंचे तो उनसे विनम्रता पूर्वक ये कहा जा रहा है कि आज से भगवान श्री रामलला के दर्शन नहीं होंगे, तो वो लोग वापस अपने घरों को जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लोग तमाम लोग जो कि ईस्टर्न इंडिया से आते हैं वो आपको दिख पा रहे हैं और ये सब अब अपने घर जा रहे हैं क्योंकि इनको दर्शन नहीं हुए हैं, हनुमानगढ़ी के दर्शन करके ही वापस जाएंगे। तो सुरक्षा के लिहाज से आज दर्शन बंद कर दिए गए हैं, जितने भी चौक चौराहे हैं और जितने भी गलियां हैं वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स सुबह से ही हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं इनको तैनात कर दिया गया है। तो हर आने जाने वाले पर निगरानी रखी जाएगी, जिनके पास पासेस होंगे वही अलाउ होंगे इस पूरे प्रेमाइसिस में जाने के, और अगर किसी के पास पास नहीं होता है, संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई है। बिल्कुल नीतीश, शुरू करते हैं। नीतीश, जो श्रद्धालु अब दर्शन नहीं कर पा रहे हैं क्या उनके लिए कोई इंतजाम किए गए हैं वहां पर? देखिए इंतजाम सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था के हैं, साफ तौर पे ये कहा गया है कि आज से दर्शन बाधित होगा और ये आज से नहीं बल्कि पहले से ये जो संदेश है वो दिया जा रहा था। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इस संदेश को नहीं पा सके थे तो आज वह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए यहाँ पर लोग हैं और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक टीम, देखिए यहाँ पर आपको ये जो पुलिस वाले लोग हैं वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप अंदर कार्य चल रहा है, आज जो पिछली जो प्रतिमा है वो मंदिर स्थल तक ले जाई जानी है, तो आप लोग दर्शन करने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पहले से ये संदेश पहुँचाया जा रहा था, आप लोगों तक नहीं पहुँचा, ठीक है आज दर्शन नहीं मिला, लेकिन अब क्या करेंगे, क्या कहना है, उत्साह कितना, आकर्षण कितना? मैं सेवा करने के लिए, संत सेवा करने के लिए आए, कर्नाटक से आए, अपना कर्नाटक से लगभग 75 संत लोग आएंगे, उनका सेवा करने के लिए आए, उनका सेवा करने तो मन कह रहा है, मन कह रहा है जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप बताइए क्या क्या जो आज से यहाँ पर दर्शन प्रक्रिया अभी आम जन के लिए बाधित है, अब आगे दर्शन होगा 23 तारीख से, क्या कहना है मन में, जय श्री राम, जय श्री राम, अच्छा होगा, अच्छा होगा। अच्छा। तो आपको मैं कुछ व्यवस्थाएं दिखा दूं दीपाली, आप देखिए यहाँ पर जो तैयारियां हैं सामने, जो मैं यहाँ पर जो पहले भी तस्वीरें दिखा रहा था कि यहाँ पर फूलों से सजा हुआ, ये जो आम लोग यहाँ पर आएंगे उनको यहाँ पर राहत पाने की व्यवस्था है, इसके साथ किनारे ये जो पूरा मार्ग है वो फूलों से सजा दिया गया है, आपको
प्रत्येक स्थल पर आपको फूलों के साथ सजा दिखेगी। एक द्वार की भी तस्वीरें दिखा दे, जो द्वार कभी बनता हुआ दिखाई देता था, यह भी फूलों से सजा हुआ आपको दिखाई देगा। जो लोग सर्दी का सितम झेल रहे हैं, उनके लिए एक विशेष प्रकार का यहाँ पर एक हीटर लगाया गया है, ताकि अगर कोई श्रद्धालु बाद में यहाँ पर पहुंचे तो उसे इस हीटर को सेकने का मौका मिले। इसके अलावा जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, रात भर जो ड्यूटी करते हैं, जो सुरक्षा को धार देते हैं, उनके लिए यहाँ पर सुरक्षा की चौकी बनाई गई है। ये देखिए सामने ये सुरक्षा की, यानी व्यवस्थाएं काफी चाक चौबंद की गई हैं। और इसके भीतर आप रहेंगे, और इसके अलावा ये गोल्फ कार आपके है, तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ के बाद अंदर गाड़ियां नहीं जाएंगे, बल्कि इस गोल्फ ये गोल्फ कार पे सवार होकर आप जाएंगे। व्यवस्थाएं काफी चाक चौबंद की गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं देख सकते हैं आप, बस इंतजार है 22 जनवरी का। लेकिन आम श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं, उन्हें थोड़ी जानकारी नहीं है कि अब से दर्शन नहीं हो पाएंगे, 23 जनवरी से ही दर्शन होंगे, इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें जरूर हो रही हैं।